हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 फीट बाई 36 फीट के प्लान के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर है, 36 फीट ये है, 27 फीट 3 इंच आपका यहाँ पे है। जो आपका ये साउथ फेसिंग है आपका, जो आपका प्लॉट है, यहाँ से आपका मेन गेट है और लेफ्ट साइड में आपकी स्टेयर्स है। और यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे गेट और लेफ्ट साइड में आप स्टेयर्स को ऊपर जा सकते हैं। आपकी जो मेन एंट्री होती है वो ड्राइंग रूम में होती है, जो 10 फीट बाय 11 फीट का यहाँ पे ड्राइंग रूम है। यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडो एंड यहाँ पे डोर दिया है। उसके बाद यहाँ से आप लॉबी में एंटर कर जाते हैं, जो 20 फीट बाय 6 फीट की आपकी काफी अच्छी लॉबी है। यहाँ पे है मास्टर बेडरूम 10 फीट बाय 11 फीट। मास्टर बेडरूम जो हमने प्लेस किया वो साउथ वेस्ट में किया है। जो ओनर का रूम होता है आपका, वो साउथ वेस्ट में बेस्ट रहता है और स्टेयर को भी हमने साउथ वेस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन है, जो किचन को प्रोवाइड किया गया है वो नॉर्थ वेस्ट में किया गया है, बट जो आपका यहाँ पे गैस है उसको प्लेस किया गया है साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट का एरिया गैस के लिए काफी परफेक्ट माना जाता है। पूजा रूम को हमने ईस्ट में प्लेस किया है, यहाँ पे 5 फीट 6 इंच का यहाँ पे पूजा रूम है और यहाँ पे एक बेडरूम हमने प्लेस किया और यहाँ पे रियर यार्ड यह है 7 फीट 9 इंच का। क्लियर। जो आपका बोरवेल है वो सबसे बेस्ट प्लेस उसका रहता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमने इसको प्लेस किया है। अगर हम बात करें ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की, तो सेम आपका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से आप ऊपर टेरिस पे एंट्री करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसी तरीके से आपका ड्रॉइंग रूम, लॉबी, मास्टर बेडरूम, किचन और ये सब आपके यहाँ पे एज इट इज देखने को मिल जाएगा। और आप पूजा रूम को ऊपर की तरफ स्टडी रूम में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरहेड टैंक का जो हमारा, वो साउथ वेस्ट में प्लेस किया गया है, जो काफी अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है ओवरहेड टैंक के लिए। और यहाँ पे आप इसका 3D देख पा रहे हैं, यहाँ से एंटर और इस तरीके से आप इस चीज को बना पाएंगे और अपना डिजाइन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.